नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। कुलगाम में मुठभेड़ के सुरक्षा बलों ने हिजबुल के एक आतंकी को मार गिराया। एनकाउंटर साइट पर फंसे स्कूली बच्चों समेत 60 को सुरक्षित निकाला। हैदराबाद पुलिस ने आयोजित किया जॉब मेला, 400 महिलाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद। ममता बनर्जी की तुलना दुर्गा से करने वाले गोवा के पूर्व भाजपा विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल। जम्मू से पुंछ जाना जल्द होगा और भी आसान। अखनूर पुंछ मार्ग के निर्माण के लिए 441 करोड़ रुपए की राशि मंजूर। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का बड़ा ऐलान, 750 मृत किसानों के परिवारों को देंगे 3-3 लाख रुपए। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का निशाना, बोले अब चीन की सच्चाई को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। आंदोलन में शहीद किसानों के परिवारों को 3-3 लाख का मुआवजा देगी तेलंगाना सरकार। इमरान खान को बड़ा भाई कहने पर नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में ही विरोध। मनीष तिवारी बोले वो मोहरा है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से तबाही, 17 हुए लापता। तमिलनाडु में गई 9 की जान, पीएम मोदी ने ली हालत की जानकारी। फर्जी दुर्घटना दावा करने वाले वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आरोपित के नाम बीसीआई के देने के निर्देश। नवजोत सिंह सिद्धू ने अब पाक बॉर्डर खोलने का दिया विवादित बयान, बोले पंजाब की लाइफ बदली जाएगी। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी ने बदली रणनीति। बिहार विधान परिषद चुनाव के अलावा प्रदेश में होने वाला चुनाव किसी न किसी गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा। दिल्ली मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर करने की मिली अनुमति, लाखों यात्रियों को मिली राहत। बिहार में पल्स पोलियो की तर्ज पर होगा कोरोना टीकाकरण, 1.5 करोड़ घरों में दस्तक देने की तैयारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 को आएंगी जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री का पहला दौरा। पीएम नरेंद्र मोदी ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल, देश के आंतरिक सुरक्षा पर मंथन। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई ने आनंद गिरी समेत 3 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, 25 नवंबर को होगी सुनवाई। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह का प्रियंका वाड्रा पर तंज, कहा अब उनके पास राजनीति के लिए मुद्दे नहीं बचे। कृषि कानूनों की वापसी को मौलाना अरशद मदनी ने बताया किसानों की जीत, इसी तरह सीए भी हो समाप्त। सांसद वरुण गांधी ने पीएम मोदी को भेजा पत्र, कहा एमएसपी और अन्य मुद्दों पर भी हो तत्काल निर्णय।
औरैया में एसपी ने किया बाजार का निरीक्षण, गाड़ियों में हूटर देखकर भड़के एसपी। बांदा में रफ्तार का कहर जारी, ट्रक की चपेट में आई बाइक। कानपुर देहात में एक्शन मोड में दिखी योगी सरकार, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज का कानपुर देहात दौरा। सहारनपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज पर प्रदर्शन, 226 कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। संबल में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, पुलिस अधीक्षक ने सुनी जनता की समस्या। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, शहीद किसानों की याद में निकाला मार्च। कौशाम्बी में नर्स की बड़ी लापरवाही आई सामने, डिलीवरी के दौरान बच्चे की हुई मौत। मिर्जापुर में रिश्तों में हुआ खूनी खेल, देवर और भाभी ने भतीजी को मौत के घाट उतारा। रायबरेली में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, जमकर चले लाठी डंडे, मामले की जांच में जुटी पुलिस। संबल में डीपीआरओ के आदेशों की जमकर उड़ी धज्जियां, स्वच्छ भारत मिशन की उड़ी धज्जियां, गांव में गंदगी का लबका अंबार। अयोध्या में अखिलेश की तुलना महात्मा गांधी से हुई, अवधेश प्रसाद ने की तुलना। बुलंदशहर में प्रशासन के आदेशों की उड़ी धज्जियां, खुलेआम लगाई जा रही पराली। फरुखाबाद में मेडिकल स्टोर में लगी आग, दवाएं जलकर हुई राख। हरदोई में पत्नी और बेटी की हुई हत्या, सर्राफा व्यापारी ने की हत्या, हत्या के बाद खुद को लगाई फांसी। आगरा में शराब माफिया पर कसा शिकंजा, एतमादुल्ला पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने प्रवीण शिवरे को खिलाफ की कार्रवाई। बुलंदशहर में कार बनी आग का गोला, पेड़ से टकराई कार में लग गई आग, एक युवक की हुई मौके पर मौत, दो घायल। बदायूं में गौवंश काटते हुए युवक गिरफ्तार, कब्जे से प्रतिबंधित मांस पूंछ बरामद, मौके से फरार हुआ 5 आरोपी। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन और बाइक से टक्कर, बाइक सवार दो युवकों को मारी टक्कर, दोनों युवकों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। लखनऊ में कल होगी किसान महापंचायत, किसान नेता राकेश टिकैत का आह्वान, बड़ी संख्या में हो शामिल। मौलाना राबे छठवीं बार बने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष, अधिवेशन में ओवैसी भी आए। काशी विश्वनाथ धाम का अगले साल लोकार्पण, ज्योतिर्लिंगों समेत बड़े शिवालयों और देवालयों में होगा सजीव प्रसारण।
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि कानूनों के फैसले पर किया स्वागत, बोले जरूरत पड़ी तो दोबारा बनेगा। यूपी में निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में मनमानी पर कसेगा शिकंजा, वेबसाइट पर दर्शानी होगी फीस। महंत नरेंद्र गिरी की नहीं हुई थी हत्या, सीबीआई ने प्रयागराज कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में किया बड़ा राजफाश। पीलीभीत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने पकड़ी चाइनीज मोबाइल की खेप, बरामद किए 840 मोबाइल सेट। चमोली में विकास के लिए तरसी जनता, शौर्य चक्र विजेता का गांव सुविधाओं से वंचित। चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर, लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। ऋषिकेश में बूथ प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन, कांग्रेसियों ने किया आयोजन। ऋषिकेश में रेती नगर पालिका बनी नंबर वन, स्वच्छता सर्वेक्षण में दर्ज की जीत। उत्तराखंड के ठंड से इलाके में आफत, कोहरे से लोगों की बड़ी परेशानी। लक्सर में पूर्व मुख्यमंत्री ने किया प्रदर्शन, भाजपा सरकार के खिलाफ निकाली पदयात्रा। पौड़ी गढ़वाल में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, कैबिनेट मंत्री ने किया शिविर में प्रतिभाग। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा, देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम वापस लेने पर विचार कर सकती है सरकार। देहरादून में ट्रेनिंग ग्राउंड की जमीन पर गर्जी जेसीबी, ध्वस्त किए अवैध कब्जे, मौके पर जमकर हुआ हंगामा। उत्तराखंड में सीएम आवास कूच कर रहे प्रशिक्षितों को पुलिस ने रोका, हुई तीखी नोकझोंक, धरने पर बैठे। दून मेडिकल कॉलेज में बिखरे लोक संस्कृति के रंग, सीएम धामी ने चिकित्सकों को किया सम्मानित। चंपावत में पूजा कर लौट रहे ग्रामीणों का वाहन खाई में गिरा, 2 की मौत, 8 हुए घायल। देहरादून में कमेटी की रकम गबन के आरोप में दंपत्ति गिरफ्तार, मकान बेच पैसा लेकर हुआ था फरार। सात सौ किसानों की मौत का कारण सरकार के रवैये को बताया, आपने केंद्र से की बड़ी मांग। नैनीताल भवाली सड़क खुली, मगर पूरी तरह मलबा हटाना भूला विभाग। काबुल में फिर से खोला अपना दूतावास, तालिबान के प्रवक्ता ने बताया सकारात्मक कदम। ऑस्ट्रिया में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, दफ्तरों में की जमकर तोड़फोड़।
तालिबान की तरफ झुका ब्रिटेन, पीएम ने कहा उसके सहयोग के बिना कुछ मुमकिन नहीं, ना ही कोई विकल्प। कोसोवो में फंसे कुछ अफगान नागरिकों को लौटाएगा अमेरिका, तालिबान के काबिज होते ही छोड़ा था काबुल। टीटीपी के साथ इमरान खान की पार्टी की वार्ता को लेकर सिंध असेंबली ने जताई आपत्ति। इमरान खान पर विपक्ष का बड़ा आरोप, पाकिस्तान की इस्लामिक पहचानने को पहुंचाया नुकसान। नॉर्वे के समुद्र में उतरी बैटरी से चलने वाला चालक रहे तो कार्गो शिप से धरती का तापमान कम करने में मिलेगी मदद। पेंटागन बोला इस साल के आखिर तक इराक में खत्म होगा अमेरिकी सैन्य मिशन। भारत बांग्लादेश सीमा पर हुई हत्याएं दुर्भाग्यपूर्ण, मोमेन ने कहा बंगाल की जनता की है चिंता। चिनफिंग बोले बीआरआई के लिए जटिल हो रहा अंतर्राष्ट्रीय माहौल, अफसर हाथ से नहीं जाने देने अधिकारी। क्रिप्टो करेंसी पर स्वदेशी जागरण मंच ने तोड़ी चुप्पी, कहा क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से रेगुलेट करने के लिए बने कानून। ईपीएफओ ने निवेश ऑप्शन के रूप में एनविल्ट को दी मंजूरी, पीएफ पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। बीएसएनएल और एमटीएनएल की संपत्तियों की बिक्री करेगी सरकार, दीपम में वेबसाइट पर अपलोड किए गए दस्तावेज। जनवरी से रेडीमेड कपड़ा खरीदना होगा महंगा, 5 से बढ़कर 12% हो जाएगी जीएसटी दरें। कोलकाता की रियल एस्टेट कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा, 200 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का खुलासा। iOS के बाद अब एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अच्छी खबर, ट्विटर पर मिलेगा पैसा कमाने का मौका। ईपीएफओ का बड़ा फैसला, अब नौकरी बदलने पर नहीं ट्रांसफर कराना होगा पीएफ खाता। करोड़ों यूजर्स को यूआईडीएआई का तोहफा, अब झट से होंगे आधार से जुड़े काम, यूआईडीएआई पूरे देश में खोलेगा 166 आधार सेवा केंद्र। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिर आई गुड न्यूज, सैलरी में होगी एक और बढ़ोतरी। पुरानी गाड़ी की बढ़ेगी लाइफ, डीजल व्हीकल में लगेगी इलेक्ट्रॉनिक किट। महेंद्र सिंह धोनी ने किया प्रॉमिस और कहा उम्मीद है अंतिम T20 मैच चेन्नई में ही खेलूंगा। बीसीसीआई का बड़ा बयान, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा आईपीएल 2022 भारत में खेला जाएगा। इंग्लिश क्रिकेटर पर लगा टीनेज लड़की को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप।
बांग्लादेशी हुसैन ने खाया छक्का तो शाहीन अफरीदी ने की यह शर्मनाक हरकत, माफी मांगने पहुंचे, वीडियो हुआ वायरल। चीनी सरकार के मुखपत्र का दावा, पेंग शुआई सुरक्षित, जल्द आएंगी लोगों के सामने। अफ्रीकी खिलाड़ी का घरेलू क्रिकेट में धमाका, एक पारी में चटकाए पूरे 10 विकेट। वेंकटेश अय्यर WWE स्टार अंडरटेकर से लेना चाहते हैं खास तोहफा, BCCI वीडियो में बताई विश। चार गेंद पर 4 विकेट, दर्शन नालकंडे ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से सेमीफाइनल में दिखाया कमाल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष रिचर्ड फ्राइडेनस्टीन ने कहा, टिन पैच में 3 साल से पहले कप्तानी से नहीं हटाना गलती थी। लियोनेल मेसी ने लीग में एक अपना पहला गोल दागा, रोनाल्डो व टीम को मिली करारी हार। आमिर करीना की लाल सिंह चड्ढा बैसाखी पर आएगी, करीना कपूर खान ने फिल्म से अपना और आमिर खान ने एक नया पोस्टर शेयर कर दी ये जानकारी। सलमान खान के अंतिम का नया गाना कोई तो आएगा हुआ रिलीज, सलमान खान ने खुद भी इस गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस के साथ किया शेयर। राजकुमार सानिया की हिट द फर्स्ट केस 20 मई 2022 को आएगी, सानिया मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर राजकुमार और फिल्म के टीम के साथ की अपनी एक फोटो शेयर कर दी ये जानकारी। वरुण क्यारा स्टारर जुग जुग जियो 24 जून 2022 को होगी रिलीज, इस फिल्म को करण जौहर ने किया है प्रोड्यूस। कंगना के खिलाफ शिकायत, एक्ट्रेस ने किसानों को बताया था खालिस्तानी आतंकवादी, दिल्ली में देशद्रोह की शिकायत दर्ज। आर्यन खान ने नहीं की साजिश, एनसीबी की तिवारी की बॉम्बे हाईकोर्ट ने उड़ाई धज्जियां, बेल बॉर्डर कहा आरोपी साबित करने के लिए सबूत नहीं। लेजेंडरी टेलुगु एक्टर की हालत नाजुक, सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती, सत्यनारायण डॉक्टर ने हालत बताई गंभीर। अनुष्का रंजन कपूर के संगीत में झूम के नाची आलिया भट्ट, आतिया शेट्टी वाणी कपूर ने भी लगाए ठुमके, डांस का वीडियो हुआ वायरल। प्रयागराज की सड़कों पर अक्षरा सिंह और श्रुति राव संग मस्ती करते दिखे, निर्हुआ वायरल हुआ वीडियो। मंदरा बेदी ने मारे एक साथ 33 हैंडस्टैंड, एक्ट्रेस का वर्कआउट वीडियो देख लोग हैरान। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।